सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि बीटीसी डीएलएड के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनके रिजल्ट से लेकर एक न्यूज निकल कर आई है जो कि हमारी डेट को भी प्रदर्शित करती है, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि अप्रैल माह के अंतिम जो सप्ताह है उसमें जो है वो रिज़ल्ट आने की संभावना व्यक्त की गई थी। पर इस न्यूज़ में जो है एक डेट भी जारी की गई है जिसके आसपास आने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है, तो चलिए जान लेते हैं। और इसके अलावा ये भी इसमें बताया गया है कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएँ हैं वो कब तक जो है वो हो सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ का हमारा शीर्षक है डीएलएड के रिज़ल्ट जो है वो अगले सप्ताह, और न्यूज़ जो है वो हमारी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से जारी की गई है। इसके अंतर्गत बात करें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जल्द ही जो है वो डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। संकेत है कि दोनों रिजल्ट जो है वो 15 अप्रैल के आसपास घोषित होंगे। तो यहाँ से एक डेट की भी संभावना व्यक्त की गई है कि दोनों रिजल्ट यानी कि 2017 बैच और 2018 बैच दोनों के रिजल्ट जो है वो 15 अप्रैल के आसपास आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं आगामी सेमेस्टर परीक्षाएं जो है वो मई माह के अंत में होगी, यानी कि आने वाली जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है कि मई माह के अंत में वो भी परीक्षाएँ होने की संभावना व्यक्त की गई हैं। और उसका जो कार्यक्रम है यानी कि किस प्रकार सारे पेपर हमारे आयोजित होंगे किस डेट को, यानी कि टोटल जो हमारी स्कीम है उसको लेकर भी बताया गया है कि वो भी अगले माह जारी होगा। आगे बात करें तो प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए प्रशिक्षण परीक्षा डीएलएड 2017 व 2018 का रिजल्ट जो है वो जल्द ही आ रहा है। 2017 की सेमेस्टर परीक्षा में 1,74,000 और 2018 में 2,10,000 प्रशिक्षु जो है वो शामिल हुए थे। उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और परिणाम जो है वो तैयार हो रहा है। कार्यालय के सूत्रों की माने तो दोनों रिजल्ट एक ही दिन 15 अप्रैल के पास आने की उम्मीद है। हालांकि लोकसभा चुनाव के कारण अभी आगामी जो सेमेस्टर परीक्षाएं हैं वो नहीं हो सकेंगी, क्योंकि परीक्षाएं जो है वो हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में होंगी जैसा कि आप सभी जानते हैं, और पिछले सेमेस्टर की परीक्षाएं आप ऑलरेडी दे भी चुके हैं और वह मतदान केंद्र बन रहे हैं, साथ ही शिक्षक निर्वाचन ड्यूटी में लगे हैं, इसलिए परीक्षाएँ जो है वो मई माह के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना यहाँ से व्यक्त की गई है। अगले माह ही जो है परीक्षा का कार्यक्रम भी जो है वो घोषित हो जाएगा। तो यही था हमारी न्यूज़ में, आई होप आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।